नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। साइबर सिटी में इन दिनों लोगों को खाकी का कोई खौफ नहीं रहा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 इलाके में वाहनों की जांच कर रही पुलिस टीम को एक कार को रोकने का इशारा करना उस समय महंगा पड़ गया जब कार के ड्राइवर ने तेज रफ्तार से कार को भगाते हुए होमगार्ड को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस हमले में वाहनों की जाँच कर रहा ASI बाल बाल बच गए। हादसे में घायल होमगार्ड के जवान को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर फरार हुए शख्स की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल 19 नवंबर को ASI ब्रजमोहन अपनी टीम के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 56 में ATI चौक पर वाहनों की जाँच कर रहे थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की कार वहां से पहुंची। वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने जब कार के ड्राइवर को बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइविंग करते हुए देखा तो कार रोकने का इशारा किया। कार के ड्राइवर ने कार को रोकने की जगह उसकी स्पीड बढ़ा दी और चौक पर खड़े होमगार्ड सुरेश चंद को टक्कर मार दी, जिससे कार सुरेश चंद के पैर पर जा चढ़ी। इस पर भी ड्राइवर ने कार को नहीं रोका और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घायल सुरेश के बयान पर अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या का प्रयास किए जाने का मामला दर्ज कर लिया है। ये 19 तारीख को हमारे जो ट्रैफिक स्टाफ था उसमें वहां चेकिंग की जा रही थी ATI चौक पे, और उसमें एक गाड़ी आई और उसको उन्होंने जब रुकवाने की कोशिश की चेकिंग के लिए, तो उस गाड़ी वाले ने हमारा जो होमगार्ड का जवान था उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसको काफ़ी चोटें आई हैं। उसके पैर में फ्रैक्चर भी आया है, इलाज चल रहा है। इस संबंध में हमने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत जल्द इसमें जो शामिल गाड़ी का चालक और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, क्या आरोपी की पहचान हो पाई है, गाड़ी चालक की पहचान हो पाई है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत जल्द उसकी पहचान करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस चौक पर लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुट गई है, जिससे आरोपी की पुख्ता पहचान हो सके। वहीं पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर भी आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।